और जेलेंस्की से ज्यादा टेंशन इस वक्त बाइडेन को है, क्योंकि वेगनर को लेकर लगातार नई नई खबरें मिल रही हैं। इसलिए बाइडेन ने यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अब एक नया खेल शुरू किया। दावा यह किया जा रहा है कि इसके बारे में पुतिन भी बहुत ज्यादा नहीं जानते। वैगनर को बेलारूस भेज दिया गया है। ये सुनने के बाद जेलेंस्की खुद बखमूत के पास एक मोर्चे पर पहुंचे और फिर बनने लगा वो वीडियो जिसकी शूटिंग जेलेंस्की के ऑर्डर पर हो रही है। यूक्रेन का टॉप जनरल लेजर लाइट के जरिए जेलेंस्की को नक्शा समझा रहा है। जेलेंस्की को बताया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज कहां है, रूस के ठिकाने कहां है और अगला हमला कहां किया जा सकता है। ये जेलेंस्की की इमेज बनाने वाली एक्सरसाइज है जिसका मौका जेलेंस्की कभी नहीं छोड़ते। आखिर वोलोदिमीर जेलेंस्की अचानक इतना क्यों एक्टिव हो गए हैं? क्या जेलेंस्की को वैगनर वाली पावर मिल चुकी है? वैगनर की बगावत चाहे 24 घंटे नहीं टिकी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 जून को जो कुछ मॉस्को में हुआ, रोस्तोव शहर में जो हुआ और फिर यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो सबको हैरान करने वाला है। उसमें वैगनर की बगावत ने क्या पुतिन को कमजोर कर दिया है? क्या इस बगावत ने जेलेंस्की के युद्ध में नई जान फूंक दी है? दोनों का ग्राफ क्या बता रहा है? वैगनर की वजह से इस वक्त दोनों तरफ का हाल क्या है? क्या वैगनर ने अमेरिका और नेटो के दोनों हाथों में लड्डू दे दिए हैं और ये दोनों लड्डू क्या अब जेलेंस्की को मिलने वाले हैं? यूक्रेन से आई ये तस्वीर देखिए, जेलेंस्की फौजियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये सब अपनी फौज का जोश बढ़ाने का तरीका है, लेकिन जेलेंस्की का ऐसे आना और ऐसे पूरे माहौल को जश्न में बदल देना, ये सब वैगनर की बगावत वाली खुशी है और जेलेंस्की इस पल को जी लेना चाहते हैं। वो फोटो खिंचवा रहे हैं, सैनिकों के साथ कॉफी पी रहे हैं और वैगनर का सामना कर चुके सैनिकों को मेडल भी बांट रहे हैं। В державі, що ви знали, ті, хто не на фронті, всі прекрасно розуміють, що ви робите найскладнішу роботу сьогодні, і всі знають, що східний напрямок дуже складний, тут гаряче і дуже довго. І тому я впевнений, що великий вклад в майбутню перемогу зробите саме ви. Слава Україні! जेलेंस्की से ज्यादा इस बात की फिक्र पुतिन को है। वैगनर चीफ येवगिनी प्रिगोजिन ने बगावत से पीछे हटने के बाद अब भी इस पर अपनी नजर बनाई हुई है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेलेंस्की का जनरल तो अब मौके पर चौका लगाना चाहता है और उसने बखमूत में अपनी सेना से कह दिया है कि वैगनर तो चले गए, अब रूस की फौज से लड़ना आसान हो जाएगा। Они не дотягивают до ревня всего Вагнера. Мы взломаем их хребет всему зверю. Вот и дальше будем заняться. Юкрейн के जनरल ने ये बात जेलेंस्की को भी समझाई है। वैगनर वाले एपिसोड के बाद जेलेंस्की के हौसले भी बुलंद है और ये बात सीधे बाइडेन तक भी पहुंचा दी गई है कि रूस के खिलाफ काउंटर अटैक का असली वक्त तो अब आया है। जेलेंस्की ने जब ये बात बाइडेन को समझाई तो अमेरिका से फौरन हथियारों की नई खेप जारी कर दी गई। जेलेंस्की को क्या मिलने वाला है और क्या ये हथियार वाकई उनको रूस के खिलाफ एक कमांडिंग पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। हथियारों के नए पैकेज में 30 ब्रेडले बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें 25 स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। यानी जेलेंस्की को 50 से ज्यादा नई बख्तरबंद गाड़ियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा जेलेंस्की को हाईमार्स के नए रॉकेट सप्लाई किए जाएंगे, यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइल भी दी जाएगी।
यूक्रेन को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की भी नई खेप मिलने वाली है और साथ में रूस के विमानों को रोकने के लिए स्टिंगर मिसाइल की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है। Вчора переговори з партнерами, зокрема з президентом Байденом, передусім про постачання зброї. І сьогодні, де саме ця зброя дасть більше сили, більше захисту життя українців і наблизить нашу перемогу. Це головне. Вся наша земля буде вільною, абсолютно вся. Я дякую всім, хто зараз воює заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах, усі. जैसे ही व्हाइट हाउस में यूक्रेन के लिए नए हथियारों पर दस्तखत किए गए, ज़ेलेंस्की को इस बारे में पता चला। वैसे ही ज़ेलेंस्की ने एक नया सेल्फी वाला वीडियो अपलोड कर दिया। पुतिन कह चुके हैं कि रूस के दुश्मन नेटो के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं और अब वैगनर की बगावत के बाद ज़ेलेंस्की को मिली इस मदद के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस ब्रैडले को पुतिन की फोर्स ने घेर कर मारा है, आखिर वही बख्तरबंद गाड़ी ज़ेलेंस्की को फिर से क्यों दी जा रही है? पुतिन ब्रैडले और लेपर्ड टैंक को शिकार करके ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल कर चुके हैं, ताकि नेटो इस वीडियो को गौर से देख ले और इस बात को समझे कि पुतिन की फोर्स के आगे नेटो का हर हथियार फेल होगा, बुरी तरह मारा जाएगा। पुतिन ने जून के महीने में ही ज़ेलेंस्की और नेटो को बड़ा झटका दिया है, जब उन्होंने ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल और लेपर्ड को घेर कर मारा। पुतिन ने इसका ऐलान एक बड़े मंच पर किया, जहां से पूरी दुनिया ने समझा कि पुतिन कैसे यूक्रेन में नेटो के हथियारों को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन को जितने भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं, उसमें 30% खत्म की जा चुकी है। Сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. पुतिन कह रहे हैं कि F-16 का भी यही हाल होगा। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिला तो उसका भी आसमान में शिकार किया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी फौरन एक नया चैलेंज पेश कर दिया। पुतिन की एयरफोर्स को डराने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसका आंकलन अब मॉस्को में किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक सेल्फी वाला वीडियो जारी करके बहुत बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मिला कोई भी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ है और ये सिस्टम पुतिन की मिसाइलों को मारने का काम लगातार कर रहे हैं। Кто б там в России не рассказывал ним, то наши патриоты знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота. फिलहाल ज़ेलेंस्की का जोश चैलेंजर टैंक को देखकर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। बेचैनी ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों कैंप में हैं, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। इन सब के बीच में चैलेंजर टैंक की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं।